हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, वेलकम बैक टू अगेन एंड अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? सो फाइनली गाइस, अब आप देख सकते हो यहाँ मॉर्निंग हो गई थी और मैं नहा धो के हो गई थी एकदम रेडी। सो फिर हमने किया सुबह का चाय नाश्ता और चाय के साथ थे हमारे आलू के पराठे। आलू के पराठे मतलब आलू गोभी के पराठे यार, इंडियन फैमिली में यही होता है, जुगाड़ किया जाता है। पिट्ठी नहीं होती तो आलू की सब्जी भर दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, चाय वाय पीने के बाद फिर मैं गई थी नीचे। देन नीचे मैंने अपना पूरा ब्रेड सही करा अच्छे से, क्योंकि अभी हमें करनी थी स्टडी। और ये ना मॉर्निंग में मैंने करा था, मॉर्निंग में नहीं मतलब मिड मॉर्निंग में, आफ्टरनून का टाइम से आप कह सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया था, लैपटॉप वगैरह सब कुछ। और वैसे तो लैपटॉप क्या कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, नेट तो चलता नहीं है और अपना फ़ोन कनेक्ट करके चलाओ तो फ़ोन का भी नहीं चलता। तो फिर इसका भी सिस्टम अभी के देखेंगे, सिस्टम ही हैंग हो रखा है, सबका सिस्टम ही हैंग हो रखा है। देन गाइस, फिर मैंने यहाँ पानी वानी पिया थोड़ा सा और चीज़ों को सही करेंगे एकदम अच्छे से। और पेन वेन निकाल लेने के बाद मैंने सोचा था क्या कहते हैं, अभी सारा स्टडी वगैरह करने के बाद यहाँ पे मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा था ब्रेड बटर लेके आई थी मैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स लेके बैठी थी बिकॉज ताकि मुझे बीच में बार बार उठना ना पड़े। और पानी की बॉटल भी मैंने यहाँ पे फिल एंड अप कर ली थी। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना ये कनेक्ट कर रही थी और पीसी कनेक्ट करने के बाद। सो गाइस, अब हम करेंगे यहाँ पे अपने डेली करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स के यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिए थे पीसी नहीं सॉरी लैपटॉप, और गलती से मुँह से पीसी निकल गया है ना। तो अभी हम साथ के साथ अपने करंट अफेयर्स भी करते जा रहे थे और भूख भी लगी थी तो खाते भी जा रहे थे। थोड़ा सा घर पे ना शेड्यूल थोड़ा बिगड़ जाता है गाइज, और बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसके अकॉर्डिंग ना हमें चीज़ें ना देख के करनी पड़ती है, कभी कुछ कभी कुछ। सो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया है, पहले तो हमने आर्टिकल्स वगैरह देखे कौन से किस आर्टिकल के तहत आते हैं, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ने के बाद, देन फिर मैंने सोचा अब स्टार्टिंग करते हैं ना, डायरेक्ट करंट अफेयर से कर लेते हैं बिकॉज वो हमारा रिवीजन ही हो रखा था स्टार्टिंग में। सर 15 मिनट्स जो है वो तो रिवीजन ही करवाते हैं एज यूजुअल, हर बार की तरह है ना, जो भी वो लिखवाते हैं उस चीज़ का रिवीजन करवाते हैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स। तो उसको स्किप करने के बाद मैंने सोचा स्टार्टिंग करते हैं अपने डायरेक्ट करंट अफेयर्स से, है ना। तो यहाँ पे हम अपना डायरेक्ट स्टार्टिंग करते हैं करंट अफेयर्स से, जो कि सर यहाँ पे थोड़ी स्टार्टिंग में तो मोटिवेशनल कोट्स बोलते हैं। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ साथ ही चीज़ों को हाईलाइट भी करती जाती हूँ। और मैं ना आज आपको इस वाले व्लॉग में ना पूरा दिखाने वाली हूँ अपने मार्च मंथ के करंट अफेयर्स, मैंने कितने कितने कहाँ से कहाँ तक कर लिए हैं। 1 मार्च से मैंने करंट अफेयर्स करना स्टार्ट किया था, जैसे कि आपको पता ही है अभी मेरी बिगिनिंग ही है और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैं धीरे धीरे ही चीज़ों को कर रही हूँ। मैं एकदम से अपने आप पे ना बर्डन नहीं लेना चाहती, तो मैं ना चीज़ों को धीरे धीरे ही करना पसंद करती हूँ ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और मेरी कॉलेज लाइफ को भी प्रॉब्लम ना हो, और दोनों चीज़ों में अच्छे से बैलेंस करके कर सकूँ। और जैसे कि भी आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, और जिसकी डेट शीट भी आ चुकी है, टेंटेटिव भी आ चुकी है, वैसे भी आ चुकी है, तो डेट शीट भी बनानी है अभी मेरे को अपनी सब्जेक्ट वाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब करने के बाद अभी स्टार्टिंग ही करा रहे थे सर, है ना। सो सारे करंट अफेयर्स करे मैंने, और 2 दिन के करंट अफेयर्स मेरे पेंडिंग थे। फिर जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये 23 तारीख है मैं करंट अफेयर करी थी, देन उसके बाद 24 को तो आपको पता ही है छोटी होली है, तो 24 को सर की क्लास में सर ने पूरा स्टार्टिंग से 1 से लेके 15 तक रिवीजन करवाया था करंट अफेयर्स का, कि हमने इस बीच क्या क्या पढ़ा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको सर ने हाईलाइट करवा के हमें उसी की एक सीरीज़ करवाई थी सर ने, मतलब 35 मिनट की सीरीज़ थी सर की, वो भी उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। जैसे कि गाइस, सर की क्लासेस में एक चीज़ का बेनिफिट है, सर आपको मैप के थ्रू समझाते हैं, ये भी बताते हैं चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है, है ना, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन सर उसके बाद जो भी हमारी कंट्री है, राज्य है, देश है, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी क्या कहते हैं करेंसी क्या है, ये सब चीज़ें भी हमें साथ के साथ पता चलती जाती हैं। और 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें हमें पता चलता है इंडिया कौन सी रैंक पे है और किसको कौन सा अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, ये किसको मिला है, और
अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और जैसे कि इसमें बात करी थी सर ने हमें इस वाले करंट अफेयर्स में ना ईडी के बारे में बताया था, ईडी क्या है, ईडी ने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया था, है ना। तो उन्होंने सर ने हमें बताया कि जैसे कि केजरीवाल ने ना खुद रिपोर्ट की थी सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ हम मेरे को ना ऐसे ऐसे ईडी की तरफ से वो आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना ईडी को बोला था कि आप इनको गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रहे हो, आपका काम है डायरेक्ट गिरफ़्तार करने का। जिसके बाद अब प्रॉब्लम ये है कि केजरीवाल को खुद अपना वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो गुनहगार नहीं है। जो भी केस है, केस तो आपको पता ही है, दिल्ली शराब घोटाले वाला केस है जैसे कि हम सब जानते हैं। तो उसी के तहत केजरीवाल अब जब तक अभी तो फिलहाल वो दिल्ली के सीएम है ही, बिकॉज़ क्योंकि अभी उनको 2 ही दिन हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है वो 21 तारीख को रात को 9:14 पर अरेस्ट हुए थे, ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया था, हैं। अब पॉइंट ये है कि ईडी को नहीं प्रूव करना है, केजरीवाल को प्रूव करना है कि हाँ वो दोषी नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि केजरीवाल प्रूव करेंगे। और अभी उन्होंने, वो सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि मैं जेल में रहते ही सरकार चलाऊंगा। अगर 28 तारीख को केजरीवाल अपने आप को प्रूव कर लेते हैं कि उन्होंने गलत नहीं किया है, उनका कोई लेना देना नहीं है, तब तो ठीक है। अगर नहीं प्रूव कर पाते, अगर उनको सज़ा 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उनको अगर मिल जाती है, तो 2 साल की ज़्यादा सज़ा मिलने के बाद वो सीएम नहीं रह सकते, आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। और इस तरह से सरकार नहीं चलाई जा सकती, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं, ऐसे पहले कभी कोई सीएम अरेस्ट नहीं हुआ, बहुत सारे सीएम ऐसे अरेस्ट हुए हैं, बट वो अरेस्ट होने से पहले ही अपना सीएम वाला पोस्ट या तो अपनी वाइफ के हाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर किसी और को सीएम बना के चले जाते हैं, ना। तो ऐसे भी कई सीएम हुए हैं जिन्होंने ये किया है, 2-3 सीएम हुए हैं, लेकिन केजरीवाल ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी वो खुद हैं सीएम की पोस्ट पर, ना चाहते हुए भी वो अभी 28 तारीख को, 28 मार्च को देखा जाएगा क्या रिज़ल्ट होने वाला है। दिन के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, देन तब पता चलेगा कि ईडी का क्या है चल रहा है। और आपको जैसे पता है कि ईडी काफ़ी स्ट्रांग है, और ईडी ऐसी संस्था है ना जो क्या कहते हैं, इसका काम ही यही है शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, है ना, इस चीज़ को रोकना, ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे घोटाले होते हैं उसको रोकने के लिए ये सब काम किया जाता है। सो गाइस, इसके बारे में मुझे इतना ही पता चलता है, सर ने भी अपनी क्लास में यही बताया था कि आज हम वैसे भी डिस्कस करने वाले थे कि केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया था, ईडी क्या है, ईडी की स्थापना कब हुई, है ना, ये सारी चीज़ें हमने आज वाले करंट अफेयर्स में करी थी। और आज की करंट अफेयर की क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही मेरे लिए, क्या जो भी बच्चे, मतलब काफ़ी सारे मैंने देखा है इस पे व्यूज़ आते हैं, 4 से 4.5 लाख लोग जितने भी करंट अफेयर्स देखते हैं, सर की क्लासेस को अटेंड करते हैं, उनके लिए 110% सर की क्लासेस बेनिफिशियल ही रहती हैं। और हर तरीके से सर की क्लासेस, सर बार बार रिवीजन भी करवाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट्स भी करवाते रहते हैं। सर की क्लास आप ज़रूर अटेंड करें, आपको अगर 1.5 घंटा नहीं निकाल पा रहा, आप 2x की स्पीड पर करके देख सकते हैं। जो आपको, अगर हम नोट्स भी नहीं बना रहे हैं ना, तो हम सुन भी सकते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सुन के, क्योंकि जब हम सुनेंगे तो हमारे मन में थॉट आएगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेना चाहिए। सो इसी तरह से मैं ज़्यादा, मैं भी मतलब सब कुछ लिखने वाली चीज़ें नहीं करती हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं भी उन्हीं को ही लिख के देखती रहती हूँ। और हाँ, आपको भी इसी तरह से अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, ताकि ऐसा नहीं है कि आप भी करंट अफेयर्स का भंडार लगाते जा रहे हैं फिर वो आपसे रिवाइज़ नहीं हो रहे हैं। आप जब चीज़ें सुनते रहते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी हमें ईडी के बारे में पता चला, केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया उसके बारे में पता चलता है ना, जो ये करंट में चीज़ें चल रही हैं, कहाँ कहाँ के सीएम चेंज हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह के नए सीएम भी बनाए गए हैं, है ना। और उसके बाद इस अभी आचार संहिता लग चुकी है, और जो हमारे इलेक्शन होंगे वो 9 फेज या 7 फेज में बांट दिए गए हैं, उनकी डेट्स भी आ चुकी हैं, CAA का भी बारे में पता चला है, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती है। और जम्मू कश्मीर में जो क्या कहते हैं, पहला देश कौन सा है जिसने ज़मीन ली है, वो भी किसी उद्योग वगैरह के लिए, या फिर उस चीज़ के बारे में पता चलता है, जैसे कोलकाता है उसमें, या फिर गुजरात है, 2-3 नाम हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सर करवाते हैं, जो कि हमें
करंट अफेयर्स का मतलब ही यही होता है ना, डेली करंट की चीज़ों से हम उससे जुड़े रहें। बाकी वो अलग बात है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो न्यूज़ होती है वो अलग से हमें देखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में ज़रूरी नहीं है ना, ये तो करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरीके से हो सकते हैं, बट न्यूज़ में अलग तरह की न्यूज़ भी आ सकती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता चलना चाहिए, जैसे कि न्यूज़ में देख लो उसमें एलविश यादव के बारे में और अभी केजरीवाल के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो बट वो न्यूज़ वो हम सिर्फ सुनने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। सो गाइस इसी तरह से, और मैं अभी आपको ना शो करती हूँ कि मेरे कितने सारे करंट अफेयर्स थे जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे थे काफ़ी अच्छी तरीके से, और मैंने सारे एक्ट वगैरह के बारे में भी लिख रखा था। बहुत एक्ट मतलब हमारे संविधान में जितनी भी अनुसूचियाँ हैं कौन कौन से भाग में वो भी मैंने लिख रखी थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है, मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस, और अभी हम देखेंगे अपने सारे करंट अफेयर्स। मैं आपको दिखा दूँगी, मतलब शो कर दूँगी, कोई मेरे से पूछ रहा था कि आप अपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो। यार गाइस देखो मेरे को अभी अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मैं चाहती भी हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे, बिकॉज आपको ना पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। गाइज पढ़ाई तो हर कोई करता है, हम बचपन से पढ़ाई करते आते हैं और हमें पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमारे को लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा, है। बट उसके बाद भी आपको ना अपनी क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ को और बेटर बनाने के लिए चीज़ों को करते रहना चाहिए, हैं। बहुत सारे जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लॉगिंग करना, तो इस तरह से आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों पे भी फोकस करनी चाहिए आपको। देन मेरे नोट्स यहाँ पे हो गए थे फिनिश, उसके बाद अभी देखो मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। देन आप देख सकते हो मैं अभी आपको शो करती हूँ मेरे सारे करंट अफेयर्स कहाँ से हैं। ये मेरा जो स्पायरल है ये मैंने विश्वविद्यालय से लिया था वैसे तो, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टडी प्लान बना रखा था। देन ये कैपिटल है ना, स्टेटस मतलब कंट्री और कंट्री कैपिटल्स थी, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी मैंने लिख रखी थी। ये देखो संविधान, संविधान के भाग कौन से भाग में क्या क्या आता है, पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर रखा है काफ़ी अच्छे तरीके से, और जितनी भी हमारे जैसे संस्था होती है नाटो हो गया, WHO हो गया, UNDP हो गया, यूनेस्को हो गया, आसियान हो गया, है ना, OPEC हो गया, इस तरह से इसके बारे में इनकी फुल फॉर्म, इनके वर्तमान सदस्य, इनके निर्वाचन क्षेत्र, हेडक्वार्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही था, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर रिप्लाई किया करें। थैंक्स फॉर